नमस्कार दोस्तों, हॉस्पिटैलिटी एजुकेशन आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता है NCHMCT JEE 2023 मतलब नेशनल काउंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी का ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम 2023 का नोटिफिकेशन आ चुका है। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि NCHMCT JEE के एग्जाम को क्लियर करने के बाद, अपियर करने के बाद आपको किस कोर्स में एडमिशन मिलेगा। इस वीडियो में हम और भी देखेंगे कि इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स क्या हैं और अन्य इम्पोर्टेंट जानकारी क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। NCHMJEE आपको एडमिशन दिलाएगा BSc इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन नामक कोर्स में। ये 3 साल का कोर्स है, बेसिकली ये होटल मैनेजमेंट का कोर्स है। सामने आप जो लिंक देख रहे हैं https://nchmjee.nta.nic.in, इस लिंक को मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, यहाँ पर जाकर आप इस एप्लीकेशन को भर सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं उनको कुछ एक बार हम समझ लेते हैं। जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है वो आपको 14 मई 2023 संडे का दिन है। एग्जाम की टाइमिंग जो है वो 9 बजे से लेके दोपहर में 12 बजे तक है, मतलब 3 घंटे का ये एग्जाम होने वाला है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ये एग्जाम का मोड होगा। और जो डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो आपकी 27 अप्रैल 2023 तक आपको फॉर्म भर लेना है शाम को 5 बजे तक, मतलब उसके बाद आपकी अभी की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से वेबसाइट क्लोज हो जाएगी आपकी एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए। लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल फीस ट्रांजैक्शन है वो आपकी 27 अप्रैल 2023 रात के 11:50 PM तक। तो इसके बाद जो है आपका फी ट्रांजैक्शन भी बंद हो जाएगा। नेशनल काउंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी एक ऑटोनोमस बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में। इसको 1982 में एस्टैब्लिश किया गया था। NCHMCT आपको ऑफर करती है BSc इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब NCHMCT JEE के थ्रू आपको एडमिशन मिलेगा BSc इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन में। ये जो प्रोग्राम है वो आपका रिकॉग्नाइज्ड बाय जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU से इस साल से हुआ। पहले ये इग्नू से एफिलेटेड हुआ था, लेकिन कुछ सिलेबस में समस्या की वजह से, अन्य कारणों से जो है इसको JNU के साथ में एफिलेट किया गया जा चुका है। तो चलिए समझ लेते हैं कि NCHMCT JEE करने के बाद में आपको कौन से कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा या कितने टाइप के NCHMCT के कॉलेजेस होते हैं। तो NCHMCT के जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, टोटल इनके नंबर 21 हैं। उसके बाद आता है स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स होते हैं, टोटल 27 हैं वो इंडिया में। PSU इसके टोटल 1 है। और जो आपके प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं वो भी NCHMCT का एफिलेशन लेते हैं और वो टोटल 29 हाल फिलहाल जो हिंदुस्तान में जो है 29 प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं। और 13 जो फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट्स हैं जिनको FCI कहा जाता है शॉर्ट में, लेकिन ये मैं आपके लिए जानकारी के लिए बता दूं कि ये BSc कोर्स ऑफर नहीं करते हैं। तो टोटल जो आपको शुरू के 4 जो इंस्टीट्यूट दिख रहे हैं 21, 27, 1 एंड 29, इसमें ही आपको अपनी एडमिशन का चॉइस आप ले सकते हैं। NCHMCT से एफिलेटेड सभी इंस्टीट्यूट की जानकारी के लिए आप इसकी वेबसाइट www.nchm.nic.in पर जाकर इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो NCHMCT के टॉप इंस्टीट्यूट माने जाते हैं। इनकी रैंकिंग ऊपर नीचे हो सकती है, बट IHM पूसा हमेशा नंबर 1 पे माना गया है। और इनकी रैंकिंग का जो क्राइटेरिया है वो माना जाता है यहाँ पे जो लैब है उसमें किस तरीके की फैसिलिटी है, फैकल्टी कैसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, लाइब्रेरी कैसी है और ओवरऑल यहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है पढ़ाई का, उस हिसाब से इनको रैंकिंग दी जाती है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो होटल मैनेजमेंट का कोर्स है वो बेसिकली जो है मोस्टली वो बेस होता है आपका प्रैक्टिकल पे, जहाँ पे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के आपको प्रैक्टिकल सिखाए जाते हैं। प्रैक्टिकल आपको डेली करना होता है, वेरियस यूनिफॉर्म आपको पहन के प्रैक्टिकल को परफॉर्म करना होता है। तो जिस इंस्टीट्यूट में आपको प्रैक्टिकल्स अच्छे करवाए जाते हैं अलॉन्ग विद द थ्योरी पार्ट, वो इंस्टीट्यूट अच्छे माने जाते हैं। तो IHM पूसा ने हमेशा से अच्छा परफॉर्म किया है, तो काफी साल तक ये नंबर 1 इंस्टीट्यूट रहा है और अभी भी ये नंबर 1 इंस्टीट्यूट IHM का माना जाता है। उसके अलावा जो IHM मुंबई, IHM कोलकाता, IHM हैदराबाद, IHM चेन्नई, IHM बैंगलोर और IHM लखनऊ और उसके साथ में IHM गोवा को भी टॉप में माना गया है।